शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए ट्रेन हादसे में मारे गए एमपी के 16 मजदूरों में से 5 उमरिया जिले के थे। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना के बाद मजदूरों से अपील की है कि वे पैदल अपने घरों की तरफ ना निकलें। राज्य सरकार उन्हें उनके घर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। पुलिस अधीक्षिका ने बताया कि इस हादसे में अब तक 16 की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग सुरक्षित बच गए हैं जो पटरी के पास बैठे हुए थे। ये सभी भुसावला जाकर ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। दरअसल गुरुवार को औरंगाबाद से प्रवासी मजदूरों के लिए कई ट्रेनें चली थी, लेकिन ये लोग ट्रेन नहीं पकड़ पाए थे। जालना से गुरुवार शाम 7 बजे विदा होने के बाद ये रेलवे ट्रैक पर 45 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे। सफ़र में थकने के कारण सभी मजदूर बदनपुर और करथम के बीच ट्रैक पर ही सो गए। शुक्रवार तड़के 5:15 पर सोते हुए मजदूरों के ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई, जिसमें 16 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अस्पताल में भर्ती हैं। पटरी पे सुबह 5:15 बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीजें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है अभी तक? उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है, एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे? ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। पैदल जा रहे थे कि मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। एग्जैक्टली कहाँ से आए थे कुछ पता चला? नहीं, वी आर वेरीफाइंग। मैम बताया जा रहा है कि कंपनी से कोई इनका कॉन्टेक्ट था? वी आर वेरीफाइंग दैट। अभी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द इंसिडेंट फर्स्ट, और जो लोग बचे हैं उनको काउंसिलिंग करना, जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देना और बाकी की जो सारी चीजें हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी होंगी। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।